गाइस, आपने चेन सो तो देखा ही होगा, वही चेन सो जिसकी मदद से पेड़ को काटा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, चेन सो का आविष्कार पेड़ काटने के लिए हुआ ही नहीं था, उसका आविष्कार हुआ था हड्डियों को काटने के लिए। जी हाँ गाइस, चेन सो का आविष्कार 1780 में दो स्कॉटिश डॉक्टर जॉन एटकन और जेम्स जेफरे ने किया था। और उन दोनों डॉक्टर्स ने चेन सो का आविष्कार इसलिए किया क्योंकि कुछ महिलाओं में पेल्विक बोन का साइज बहुत ही छोटा होता है, जिस वजह से बच्चे की डिलीवरी के समय बच्चा उसी पेल्विक बोन में फंस जाता है और उस समय डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती है। और उस परिस्थिति में दोनों डॉक्टर्स द्वारा बनाए गए चेन सो का यूज़ करके पेल्विक बोन को काटा जाता ताकि बच्चे को आराम से बाहर निकाल सकें। और उस समय चेन सो का साइज एक चाकू जितना हुआ करता था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, डॉक्टर्स ने चेन सो का यूज़ करना बंद कर दिया और उसके बाद चेन सो को पेड़ काटने में यूज़ किया जाने लगा।